जय हिंद। जैसा कि आपको पता होगा, हम आप लोग के लिए प्रारंभ बैच लेकर के आते हैं हर एक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार रात 8 बजे। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के क्लास 12 के फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड से हो, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेज नहीं है, यूट्यूब में फ्री है। तो इसमें हम लोग स्थिर विद्युत की पढ़ा रहे हैं, जिसका डे 31 हो रहा है, 31st लेक्चर है। तो वैसे तो ये चल रहा है YouTube में, लेकिन आप फिर भी अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हैं, आपको मन है कि अच्छे से पढ़े पूरा, कारण कि YouTube में एक लिमिटेशन होता है, ज़्यादा हम इसमें टाइम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे पास समय भी उतना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास ही पढ़े और अच्छे से पढ़े, तो एक ऐप है मेरा, नाम है उसका SRD क्लासेस। क्लियर, मेरा कोचिंग का नाम SRD क्लासेस है, तो उसके नाम से ऐप है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ देखिएगा इस तरह का लोगो दिखेगा आपको। अब सिंपल सा इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, और 2499 रुपये में आपको पूरा क्लास 12 का फिजिक्स का सिलेबस है। क्लियर है, तो आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, और उसमें लाइव क्लासेस होगा, जितना भी पढ़ाएंगे उसका सारा PDF भी मिलेगा। चलिए अब ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करके आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, इसका नाम है संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो टॉपिक है ये VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपका जनरली 5 मार्क्स का पूछता है, कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। तो बाबू इसका नाम क्या है टॉपिक का? संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये क्या है जरा समझो, इमेजिन करो आप एक कोई संधारित्र लिए, क्या लिए? संधारित्र, और ये अभी आवेशित नहीं है, यानी इसमें चार्ज नहीं है। क्लियर है, अब इसको हमको आवेशित करना है। तो आवेशित करने के लिए हम क्या किए, एक बैटरी से जोड़े। किससे? बैटरी से। तो बैटरी से जोड़ने के बाद क्या हुआ, देखो जरा से, ये बैटरी का धनात्मक सिरा, ये ऋणात्मक सिरा है। तो ये प्लेट जब धनात्मक से जुड़ा, तो बदलो इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। क्लियर है, और इस पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। क्लियर है, तो ये चार्ज हो गया, ये क्या हो गया? चार्ज हो गया। इमेजिन करो इसमें चार्ज कितना जमा हो गया? क्यू जमा हो गया। कितना हो गया? क्यू। अब एक चीज़ जरा समझो ध्यान से बाबू, संधारित्र में जो आवेश जमा हो गया क्यों, यानी संधारित्र जो चार्ज हो गया, यानी आवेशित हो गया, ये क्या खुद हो गया? तो बोलिए सर खुद तो नहीं हुआ, इसको बैटरी किया चार्ज। तो बाबू बैटरी जो इसको चार्ज किया, यानी बैटरी जो आवेशित किया, इसके लिए बैटरी को कुछ तो कार्य करना पड़ा होगा। तो जो भी कार्य करेगा बैटरी, वही कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संचित होगा, जिसको हम कहेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलेंगे? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी डेफिनेशन अगर पूछे, सिंपल सा ऐसे बोल सकते हैं, किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए बैटरी द्वारा किया गया कार्य, उसमें ऊर्जा के रूप में संचित की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो, किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए बैटरी द्वारा किया गया कार्य, उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होती है, जिसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U द्वारा सूचित की जाती है। याद रखिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को किससे सूचित करेंगे? U से। क्लियर है, तो ये तो था डेफिनेशन, जो कि बहुत आसान था, क्लियर था, हो गया। अब चलो इसका व्यंजक निकालेंगे, चूंकि हम पहले ही बोले ये 5 मार्क्स में पूछेगा, 5 मार्क्स में सिर्फ डेफिनेशन कर देगा नहीं, इसका फॉर्मूला भी निकालना होगा। तो व्यंजक, व्यंजक यानी इसका फॉर्मूला निकालने वाले हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, समझो क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक संधारित्र माने हैं, मान लिए संधारित्र की धारिता कितनी है? सी है। संधारित्र की धारिता कितनी है? सी। इसको एक बैटरी जोड़े, तो बैटरी जोड़ने के बाद मान लो इसमें आवेश कितना जमा हो गया? क्यू। लेकिन आप एक चीज बताओ, जो आवेशित हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा संधारित्र लिए होंगे, बैटरी जोड़ेंगे, तुरंत चार्ज हो गया होगा? ऐसा हुआ होगा नहीं। कोई भी बैटरी से जब जोड़ते हैं संधारित्र को, धीरे धीरे करके चार्ज होता है, धीरे धीरे करके, थोड़ा देर लगता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं, क्या तुरंत चार्ज हो जाता है? जैसे लगता है ना समय, तो वैसे ही इसमें भी समय लगता है। कारण क्या है, जो आवेश भले देख रहे हैं कुल आवेश क्यों आया, लेकिन ऐसे नहीं हुआ होगा कुल आवेश, देखो हुआ क्या होगा? DQ मतलब बहुत कम आवेश, DQ इस तरह थोड़ा थोड़ा करके आवेश जा करके यहाँ पूरा आवेश हुआ होगा। क्लियर है, तो हमको क्या निकालना है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी बैटरी के द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि हम अभी तुरंत बताएं, जो बैटरी कार्य होता है वही ऊर्जा के रूप में संचित करता है। तो डेफिनेट है, बैटरी कितना कार्य कर रहा है अगर वो पता चल जाए, तो हमको पता चल जाएगा ऊर्जा कितना है, क्योंकि वही ऊर्जा कल आएगा। तो हम क्या करेंगे, बैटरी कितना कार्य किया इसको आवेशित करने के लिए वो निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले बाबू देख लो जरा से, यहाँ DQ आवेश जा रहा है, ना हल्का सा आवेश जा रहा है। ठीक है, आज सुख गर्मी बहुत भयानक वाला है, लेकिन क्या करें, आप लोग के लिए इतना मेहनत तो करेंगे। हाँ, तो देखो जरा ध्यान से, जो DQ आवेश जा रहा है, DQ मतलब थोड़ा थोड़ा करके जो जा रहा है, तो सबसे पहले DQ आवेश जमा करने में कितना कार्य हुआ पहले वो निकाल लेंगे, और वो निकालने के बाद उसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बाद हमको टोटल कार्य निकल जाएगा, जो कार्य निकलेगा उसी को क्या बोलेंगे? ऊर्जा। क्या बोलेंगे? ऊर्जा। चलो ध्यान से देखो, तो चलो आते हैं आप टॉपिक पर। अब संधारित्र में, किसमें बाबू? संधारित्र में। क्लियर है,
तो संधारित्र में कितना आवेश? डी क्यू आवेश। कितना आवेश बाबू? डी क्यू। डी क्यू आवेश संचित करने के लिए, डी क्यू आवेश संचित करने के लिए बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य। देखो संधारित्र में कितना आवेश संचित कर रहे हैं? डी क्यू। तो डी क्यू आवेश संचित करने में बैटरी कितना कार्य कर रहा है वो निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ जो आवेश डी क्यू है ये क्या है बोलो जी? डी क्यू आवेश, ये थोड़ा सा आवेश है। तो डेफिनेट अगर डी क्यू आवेश जमा हो रहा है यानी हल्का सा आवेश जमा हो रहा है तो कार्य भी बहुत छोटा होगा। जब आवेश बहुत कम जमा हुआ तो कार्य भी बहुत कम, तो इसीलिए यहाँ पर कार्य होगा डी डब्ल्यू। कितना होगा? डी डब्ल्यू। अब भाई डी डब्ल्यू फार्मूला याद करो, हम कभी पढ़ाए थे भी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, इसी चैप्टर में उसका नाम था विद्युत विभव। आवेश प्रति कार्य प्रतिकाई आवेश को विद्युत विभव कहते हैं भी। तो इसको अवकलन रूप में डी डब्ल्यू बाई डी क्यू भी लिखा जा सकता है। तो बोलो डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा? तो डी डब्ल्यू बराबर इसको अगर इधर ले गए तो भी इंटू डी क्यू हो जाएगा, भी इंटू डी क्यू। तो ये फॉर्मूला डी डब्ल्यू बराबर भी इंटू डी क्यू ये वाला यहाँ पुट करेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया? भी इंटू डी क्यू। परंतु अगर आपको याद हो एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, क्यू बराबर सी वी, संधारित्र का जब सिद्धांत पढ़ाए थे उसमें पढ़ाए थे क्यू बराबर सी वी, क्यू बराबर सी वी। तो बोलो जी अगर क्यू बराबर सी वी हो गया तो बोलो भी बराबर कितना हो जाएगा? भी बराबर हो जाएगा क्यू बाय सी। भी बराबर कितना हो जाएगा? क्यू बाय सी। इसीलिए डी डब्ल्यू बराबर भी के जगह क्यू बाय सी इंटू डी क्यू। क्लियर है? तो ये जो अभी है डी डब्ल्यू कार्य है, मतलब सिर्फ डी क्यू आवेश जमा करने में कितना हुआ ये निकला है, लेकिन हमको डी क्यू नहीं, हमको पूरा आवेश जो क्यू है इसमें इसको जमा करने में कितना कार्य करना पड़ा वो निकालना है। तो डेफिनेटली क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर। तो हमको इंटीग्रेशन इस डी डब्ल्यू का भी करना होगा और सी तो यहाँ कांस्टेंट है, सी धारिता है वो कांस्टेंट ही होता है, तो उसको बाहर निकाल लेंगे तो क्यू इंटू डी क्यू का भी इंटीग्रेशन करना होगा। तो चलो दोनों तरफ करते हैं। तो बोलो अब इंटीग्रेशन किसका? डी डब्ल्यू का बराबर वन बाय सी कॉन्स्टेंट हो गया तो किसका इंटीग्रेशन? क्यू इंटू डी क्यू का। लेकिन भाई जो कार्य निकालना वो कितना से कितना तक निकालना, उसका कुछ लिमिट तो होगा, सीमा तो होगा। तो सीमा ये है कि पहले बताओ संधारित्र में आवेश कितना था? जीरो था, और अब कितना हो गया टोटल? क्यू। तो हमको जीरो से क्यू तक का कार्य निकालना, आवेश जीरो से क्यू तक जो हुआ उतना जमा करने में कितना कार्य है वो निकालना है। तो लिमिट लगा देंगे हम यहाँ जीरो से क्यू तक। तो बोलो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो गया डब्ल्यू इक्वल टू वन बाय सी। तो बोलो क्यू इंटू डी क्यू का अगर इंटीग्रेशन करेंगे, आप लोग का इंटीग्रेशन अब हो चुका होगा और पढ़ा भी चुके हैं, तो इसका क्यू स्क्वायर बाय टू होगा। क्लियर है? क्यू इंटू डी क्यू का क्यू स्क्वायर बाय टू। लिमिट आपको पता है कितना दिया है? जीरो से क्यू तक। तो रखते चलिए तो डब्ल्यू इक्वल टू वन बाय सी। लिमिट कैसे रखते हैं? इसके जगह एक बार अपर लिमिट फिर माइनस जगह लोअर लिमिट रखो बाबू। क्यू के जगह एक बार कैपिटल क्यू, क्यू स्क्वायर बाय टू यानी अपर लिमिट रखे माइनस एक बार इसी क्यू के जगह जीरो रखेंगे तो जीरो स्क्वायर बाय टू। तो क्या डब्ल्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं वन बाय सी, ध्यान से देखिएगा, क्यू स्क्वायर बाय टू माइनस जीरो स्क्वायर बाय टू यानी क्या? जीरो। ये तो पूरा जीरो हो गया। क्लियर है? तो डब्ल्यू इक्वल टू हमारा बचा वन बाय सी इंटू क्यू स्क्वायर बाय टू, में जीरो घटा देंगे तो यही बचा यानी क्यू स्क्वायर बाय टू। तो डब्ल्यू इक्वल टू हमारा क्या बचा? अगर वन इंटू क्यू स्क्वायर करें यानी क्यू स्क्वायर बाय टू को आगे लिख दें टू सी, ये कार्य निकला क्यू स्क्वायर बाई टू सी। तो ये जो कार्य है बाबू ये संधारित्र में क्यू आवेश जमा करने के लिए कार्य है, और जो कार्य होता है वही ऊर्जा होता है, ये तो हम पहले ही समझा दिए। तो डेफिनेट अगर कार्य ये है तो यही ऊर्जा है, यही है विद्युत ऊर्जा। तो हम लिखेंगे तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। आपका मन करे डिटेल में भी लिख सकते हैं तो संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा, वो भी सही है ठीक, लेकिन हम शॉर्ट भी मार रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यू इक्वल टू कितना होगा? याद रखो विद्युत ऊर्जा को सूचित किससे करते हैं? यू से। तो हम अभी तुरंत बोले थे जो कार्य होगा वही ऊर्जा होगा, तो कार्य हमारा इतना है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, तो ऊर्जा भी यही होगा। तो चलिए लिख दें
बोलो कितना क्यू स्क्वायर बाय टू सी। तो ये जो हो गया एक फॉर्मूला हो गया आपका विद्युत स्थिति ऊर्जा का। चूंकि याद करो क्यू बराबर सी भी होता है, क्यू बराबर क्या होता है बाबू सी भी होता है, इसीलिए यू इक्वल टू जरा समझने की कोशिश करो क्यू है, क्यू की जगह क्या लिख देंगे सी भी का उसका स्क्वायर है यानी इसका स्क्वायर बाय टू सी। तो बोलो u इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा c स्क्वायर v स्क्वायर, चूंकि इसका स्क्वायर क्या सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू सी, एक c से एक c चला गया। तो बोलो u इक्वल टू क्या बचा सी वी स्क्वायर बाई टू, क्या इसको हम लिख सकते हैं हाफ सी वी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं हाफ सी वी स्क्वायर। तो एक फार्मूला ये भी हुआ, क्लियर है, एक फार्मूला हमारा ये भी हुआ, तो एक फार्मूला ये एक फार्मूला ये। अब चलो और देखते हैं, चूंकि सिंपल सा पढ़े होंगे सी बराबर क्यू बाई वी, c बराबर q बाय v, क्योंकि q बराबर सी वी था c बराबर q बाय v, इसीलिए u बराबर जरा ध्यान से देखिएगा u बराबर था 1 बाई टू सी वी स्क्वायर, तो 1 बाई टू और c के जगह जो q बाय v आया वो रखेंगे इंटू वी स्क्वायर, तो रख दो 1 बाई टू c के जगह ये वाला q बाय v इंटू वी स्क्वायर, क्लियर है। एक भी से एक भी चला गया तो u इक्वल टू कितना बचा 1 बाय टू q इंटू वी, क्लियर है। तो ये भी एक फार्मूला है, तो देखिए कितना फार्मूला आ गया हमारा, तीन फार्मूला आया, एक आया u इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी, एक आया हाफ सी वी स्क्वायर, और एक जो आया है बाबू ये आया है वन बाई टू क्यू वी। तो हम एक साथ तीनों को लिख देते हैं ताकि आपको याद रखने में तकलीफ नहीं हो, क्यू स्क्वायर बाई टू सी या फिर हाफ सी वी स्क्वायर या फिर वन बाई टू क्यू वी, क्लियर है। तो ये है हमारा फार्मूला। आपको ऑब्जेक्टिव भी कभी कभी पूछता है, हम तो बोले ये 5 मार्क्स का आता है, वैसे तो ये कंप्लीट हो गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा संधारित्र में संचित विद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक नहीं है, कौन सा नहीं है। तो चार ऑप्शन दिया था, चारों में ये तीन ऑप्शन था और एक चौथा कुछ अलग था, तो ये तीनों याद रहता तब ना पहचान पाते कि हाँ ये तीनों होगा वो नहीं होगा, क्लियर है। तो बस ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग समझ जाइएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुरंत क्लियर हो जाएगा। चलिए आज इतना ही, और हाँ बहुत जल्द ऐप में जो है 11 का भी शुरू होगा, उसका मात्र 1999 रुपये ही चार्ज रहेगा 11 का, 12 का 2499 चार्ज है 12 का, अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं पूरा। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू।